नमस्कार, डीसीबी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटियार और खास खबरों में आज बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह को लेकर। यहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा देहरादून से दिल्ली के मध्य चलने वाली स्वदेशी निर्मित वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का आज वर्चुअल रैली के माध्यम से उद्घाटन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाकर राजधानी देहरादून से स्वदेशी निर्मित वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया। तो वहीं इस दौरान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रदेश के राज्यपाल एवं रेल मंत्री सहित उत्तराखंड राज्य के विभिन्न मंत्री गण मौजूद रहे। आपको बता चले कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पूर्व उत्तराखंड के लिए स्वदेशी निर्मित वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मतदाताओं को रुझाने का काम कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि अब चुनावी बिगुल भी बिल्कुल बच चुका है। ये जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के संबोधन की ओर और जानते हैं किस तरीके से ये वंदे भारत ट्रेन प्रदेश के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। क्या कुछ कहा इस संबंध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य, दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का कार्य, तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का काम, चौथा रत्न पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा। मुझे बताया गया है कि राज्य में 4000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर हो चुके हैं। पांचवा रत्न 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। छठा रत्न उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। सातवा रत्न करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली टिहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना। आठवां रत्न ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास। और नवा रत्न टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। इस रेल लाइन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। और आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, सोने पर सुहागा, इसलिए इन नव रत्नों की माला को पिरोने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं उन्हें भी धामी जी की सरकार ने नई ऊर्जा दी है। 12000 करोड़ रुपए की लागत से चार धाम महापरियोजना पर तेज गति से काम हो रहा है।